छतरपुर में लॉकडाउन के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। नौगांव में बदमाशों ने एक घर में कट्टे से फायरिंग की और जब पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने रोकना चाहा तो इन पर कट्टा अड़ाया और गाली गलौज कर धमकी भी दी। नौगांव में बिजावर के पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक के साथ दो बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर गाली गलौज की। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक के घर के बगल में बजाज परिवार की बहू ने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली थी। इसी बात की खुन्नस को लेकर बहू के रिश्तेदारों ने बजाज परिवार के घर कट्टे से फायरिंग की और जब पूर्व विधायक फायरिंग की आवाज़ सुनकर अपने घर के बाहर आए तो इन बदमाशों ने उन्हें कट्टा अड़ाकर धमका दिया। पूर्व विधायक के साथ घटी इस घटना की सूचना लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपनी जाँच शुरू कर दी। घटना का CCTV भी मिला है जिसमें चार बदमाश दो बाइकों से गाड़ी खड़ी कर घर के अंदर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। हमने तो अपने ऊपर गोली चलते चलते बचते बचते देखी। नौगांव के इतिहास में ये इस तरह का पहला काला दिन है जब बाहर के गुंडे आके नौगांव नगर में 20 सड़क पे खुलेआम फायरिंग करके जाएं। ये हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कल हमारे पड़ोस में रहने वाले सिद्दीकी परिवार में एक बहू ने सुसाइड कर लिया था, उस बात को लेके कुछ विवाद था। हालांकि लड़की पक्ष के जो लोग आए थे उनसे हमारी बातचीत हो गई थी और यहीं हमारे घर में ही बैठ के समझौते की बात हुई थी। वो बच्चे को ले जाना चाहते थे, बच्चे को भी उसका मेडिकल करा के पुलिस के सामने पंचनामा बना के सुपुर्दगी करा दी थी। सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया था। बड़े लोग बच्चे को लेके बहू की डेड बॉडी लेके वो छतरपुर जाना चाहते थे, वो छतरपुर चले गए, तब तक कोई बात नहीं थी। इसी बीच फायर की खबर मिली कि पड़ोस में फायर हो गया है। हम पूजा कर रहे थे, वैसे ही लुंगी पहने और पूजा के कपड़े पहन के जैसे ही हम सड़क पे आए तो वहाँ कुछ नहीं था, सन्नाटा था। तो हम एक बार इनके सिद्दीकी जी के घर की तरफ पहुँचे, वहाँ उनकी चीपों पे खड़े थे। इस बीच फिर दो मोटरसाइकिलें आईं और उनमें चार लड़के थे, उन्होंने फायर किया बार बार घोड़ा चढ़ा चढ़ा के, दो बार तीन बार। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने हमसे पूछा तुम कौन हो, तो हमने कहा हम पड़ोसी हैं और गोली मत चलाओ, वहाँ कोई है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने हमें गालियां बकी और गाली बक के कट्टा दिखा के हमसे बोला कि तुम यहाँ से भागो। तो हम भी अपनी जान की हिफाजत चाहते हुए अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से आ गए। कल जो है करीब 4:30 बजे अचानक जो है घर में बहू ने सुसाइड की। उसके बाद जो है उसकी डेथ हो गई। आज सुबह 11 बजे करीब PM हुआ तो डेड बॉडी के बारे में जब हमने उनसे चर्चा की, बोले डेड बॉडी हम नहीं देंगे, अपने साथ ले जाएंगे। और एक बच्चे को साथ, बच्चा है उसका, बोले उस बच्चे को भी साथ में ले जाएंगे। तो हमारे पूर्व विधायक जी बोले, पुष्पेंद्र नाथ जी पाठक बोले, आप बच्चे को दे दो, अपन बाद में ले लेंगे बच्चे को। तो अपन बच्चे को भी दे दिया। उसके कुछ दूसरा दिन आज को उसके कुछ समय बाद करीब 30-35 मिनट बाद चार बाइक से करीब 9 लोग आते हैं घर में, 2 राउंड बाहर गोली चलाते हैं, उसके बाद अंदर घुस के 2 राउंड गोली आंगन में चलाते हैं। और मैं साइड में बरंडे में, मेरा भाई शाहिद, मेरा बड़ा भाई इक्तदार सिद्दीकी, मैं एजाज सिद्दीकी और शाहिद के 2 साले जो छतरपुर से आए हुए थे, ये हम सब बैठी बातें कर रहे थे। तो जब उन्होंने आंगन में 2 फायरिंग गोली चलाई तो शाहिद के साले, वो कमरे के बगल में कमरा है, कमरे के अंदर आ गए। उसके बाद जो है मैं बगल में खड़ा था तो उन्होंने हमारे ऊपर सीधा फायर किया। तो फायर हमारे बगल से निकला, मैं तिरछा हुआ और जाके दीवार पे फायर लगा बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे, और गाली देते हुए कि जान से मार देंगे। रात को 8 बजे हम फिर आ रहे। कल राहिल की जो पत्नी है रिजवाना, उनका वो ख़त्म हो गई थी और उसका जो मरक कायम किया गया था और मरक पर से PM किया गया है डॉक्टर की टीम के द्वारा, उन्होंने लड़की पक्ष ने जो राहिल के जो भर पक्ष है उस पर आरोप लगाए हैं कि हमारी बच्ची की हत्या की गई है और उस की जांच श्रीमान SDOP महोदय नौगांव कर रहे हैं। इसी दरमियान आज उनका PM कराने के बाद डेड बॉडी उनके मायके पक्ष वाले ले गए और 1 साल के बच्चे को भी ले गए हैं। करीब
12 बज के 50 मिनट पर हमारा सब इंस्पेक्टर मनोज यादव और FSL टीम इनके दरवाजे पर थी। 12:50 के बाद मैं जब जाँच करने के बाद FSL टीम गई है, उसके बाद 2:03 पर जो राहल है उसके परिवार जनों ने बताया कि हमारे घर पर 4-5 लोगों ने फायरिंग की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।